बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल सीमा शेफ विद इजी एंड क्विक रेसिपीज। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्नैक्स, वो है पोटैटो चीज बार। वेरी क्रिस्पी आउटसाइड एंड इनसाइड सुपर चीजी, टेंडर एंड टेम्पटिंग, बच्चों और बड़ों की सबकी फेवरेट, और लंच बॉक्स के लिए तो एन आइडियल रेसिपी है। देर नहीं करते तो चलते हैं पोटैटो चीज बॉल बनाने। मज़ीद वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। पहले जितने भी आलू लेने चाहें उसको वॉश करके और बॉयल कर लें। मैंने ये बॉयल कर लिया है, थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे तो कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी। फिर मैश करेंगे मैशर से या फोक से। सिंपल सी रेसिपी को खास बनाते हैं। स्पाइसेस ऐड करते हैं, सॉल्ट 1 टीस्पून, पेपरिका या कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ये ओरिगानो। ग्रीन चिलीज मैंने ऐड किए, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। और सब्ज़ धनिया, वेजिटेबल आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, मैंने ये ऐड किए हैं। और थोड़ा सा आप चीज़ ऐड करेंगे, ये मिक्स चीज़ है, मैं वो ऐड कर रही हूँ। चीज़ की जगह आप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो बनाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इस डो से छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, ये इतना ही ले रही हूँ, 1 स्पून टेबल स्पून की साइज़ का ये बॉल बनाएंगे। हाथों को थोड़ा सा ग्रीसी कर लिया है, ये बॉल बन गया। बीच में होल करेंगे, इस होल को चीज़ के पीस से फिल करेंगे। छोटा सा पीस ऐड करके आप सारा ये फोल्ड कर देंगे और बॉल बनाएंगे टेनिस साइज का। सारे डो से हमने ऐसे बॉल्स बनाना है। अगर हाथों को थोड़ा सा ये ऑयलिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ये देखें, सारे मैंने बॉल बना लिए और अच्छे बॉल बने थे, क्वांटिटी भी अच्छी थी। अब स्पेशल सॉस बनाते हैं, जिसके लिए मेयोनीज लेंगे। 3 टेबल स्पून मेयोनीज लिया है, 2 टेबल स्पून टमाटो केचप और हॉट सॉस या बफेलो सॉस जो भी है वो ऐड करें। 2 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, अगर पेस्ट नहीं है तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हनी और ये चीज़ के पीसेस है, इसे बहुत ही यमी हो जाती है सॉस। सॉस को बाहर ही रखेंगे तो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और क्रीमी सॉस बन जाएगी। थोड़ा सा केचप और गार्लिक सॉस ऐड किया था, इसे टेस्ट बहुत ही इन्हांस हो जाता है। ये स्पेशल सॉस रेडी हो गई, अब एक साइड रख देंगे, देन फर्दर चीज़ें रेडी करते हैं। चीज़ बॉल की बाइंडिंग रेडी करते हैं, जिसके लिए 2 मैंने एग्स लिए हैं, रूम टेम्परेचर वाले एग हैं, और उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। फ्लावर का मिक्सर बनाते हैं, 1/2 कप फ्लावर लिया है और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करें, मिक्स करके रखें। मैंने मैदा लिया है, आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है, आप सारे बॉल्स लेते जाएंगे और इस एग के मिक्सर में डिप करेंगे, देन फ्लावर में अगेन हम एग में डिप करेंगे ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और लास्ट में हमने ब्रेड क्रम से कोटिंग करनी है। ब्रेड क्रम मैंने ब्रेड से बना लिए हैं। ब्रेड को थोड़ा सा सेकेंगे, सिकाई करने के बाद जूसर जग में या ब्लेंडर में आप इसको ग्राइंड कर लें तो ब्रेड क्रम रेडी है। और ऐसे सारे बॉल्स को हम कोटिंग करके रखते जाएंगे। कोटिंग सारे बॉल्स को एक ही टाइम पे करना है और फिर जितने चाहें आप फ्राई कर लें, बाकियों को आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी कोटिंग मैंने कर ली और ऑयल भी हॉट हो गया था, ज़्यादा हॉट नहीं था मगर ये कि मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने कर लिया था। ऑयल में बॉल ऐड करने के बाद छेड़ना नहीं है, तकरीबन 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद आप फ्लिप कर लें और विद इन 5 मिनट में ये सारे बॉल्स फ्राई हो जाएंगे। ये खिला खिला सा जैसे ही गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको डिश आउट कर लें और पहले ऑयल स्क्यूजिंग कर लें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाए।
रमज़ान इफ्तार में तो ये आइडियल रेसिपी है, क्योंकि बहुत कम चीज़ों से ये इतने डिलीशियस चीज़ बॉल बन जाते हैं और बच्चों के लिए तो बहुत ही फेवरेट है। आप ये बनाएं और इस टेस्ट को इंजॉय करें। जैसे जैसे बॉल्स फ्राई होते जा रहे थे, डिश आउट करते जा रहे थे ताकि एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए। देन हमने ये प्रेजेंट करना है विद स्पेशल सॉस के साथ। आप लोगों के सामने है पोटैटो चीज़ बॉल। व्यूअर्स, ये थी आज की सुपर इजी, टेस्टी एंड चीज़ी रेसिपी पोटैटो चीज़ बॉल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत लाइक करेंगे और अपनी राय का इजहार भी करेंगे। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयरिंग याद से किया करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।